स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच कानूनी लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। एक और जहां कोर्ट ने जावेद अख्तर को समन जारी किया और अदालत में 5 अगस्त को पेश होने को कहा है, वहीं उनके ऊपर लगाए गए जबरन वसूली समेत 4 आरोपों को खारिज कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने माना कि गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ जबरन वसूली का कोई मामला नहीं बनता है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति से लिखित माफी मांगने के लिए कहना मूल्यवान सुरक्षा के तहत नहीं आता, क्योंकि सहूलियत के हिसाब से किसी कानूनी अधिकार ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसका विस्तार किया जा सकता है और ना तो इसका ट्रांसफर हो सकता है। जावेद अख्तर के खिलाफ कंगना रनौत की ये शिकायत का ये मामला स्टार ऋतिक रोशन के साथ उनके सार्वजनिक विवाद के इर्द गिर्द घूमता है। एक्ट्रेस की याचिका के मुताबिक मार्च 2016 में जावेद अख्तर ने उन्हें और उनकी बहन रंगोली चंदेल को अपने घर बुलाया और मांग की कि वो ऋतिक रोशन से माफी मांगे। कंगना ने याचिका में कहा है कि ऋतिक रोशन के साथ उनके विवाद का जावेद अख्तर से कोई लेना देना नहीं है। कंगना ने अपने आरोपों में कहा है कि आरोपी जावेद अख्तर ने गलत इरादे से उन्हें और उनकी बहन को मार्च 2016 के महीने में जुहू स्थित अपने घर बुलाया और आपराधिक रूप से डराया धमकाया, साथ ही उन्हें जबरन अपने साथी कलाकार यानी कि ऋतिक रोशन से लिखित माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा किया ताकि वो उस साथी कलाकार के सपोर्ट में एक कागजी सबूत मूल्यवान सुरक्षा बना सकें। इसके अलावा कंगना रनौत ने जावेद अख्तर पर बेबुनियाद बयान देकर और उनकी गरिमा और पर पवित्रता को ठेस पहुंचाने, नैतिक चरित्र पर हमला करने का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि जावेद अख्तर ने जानबूझकर उनकी विनम्रता का अपमान किया, उनकी प्राइवेसी में घुसने की कोशिश की और को स्टार के साथ उनके पर्सनल रिलेशन पर टिप्पणी की। इस साल की शुरुआत में कंगना रनौत ने अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत में अपना बयान दिया था। इसमें उन्होंने 2021 में एक इंटरव्यू में पहले कही कई बातों को दोहराया। उनके इसी इंटरव्यू के आधार पर जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। कंगना की बहन रंगोली ने भी जावेद अख्तर की बातचीत के संबंध में एक्टर द्वारा किए गए दावों की पुष्टि करते हुए अदालत को अपना बयान दिया। तर्कों और बयानों पर विचार करने के बाद मंगलवार को मजिस्ट्रेट इस फैसले पर पहुंचे हैं कि कंगना रनौत द्वारा लगाए गए 6 आरोपों में से केवल 2 आरोपों में ही आगे की कार्यवाही की आवश्यकता है। नतीजतन मजिस्ट्रेट ने आपराधिक धमकी और एक महिला की गरिमा का अपमान करने के आरोप में जावेद अख्तर को समन जारी किया। गीतकार को 5 अगस्त को अंधेरी कोर्ट में पेश होना है। अब देखते हैं कि आगे ये मामला कहां जाकर खत्म होता है। इस पर आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।